भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे ने यह मुकाबला 13 रनों से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ भारत इस सीरीज में 1-0 से पीछे हो गया है। अगला मुकाबला 7 जुलाई को शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारत की फिरकी गेंदबाज रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजी में गदर मचा दिया। रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवरों में 13 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। बिश्नोई के इस प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 115 रन के स्कोर पर रोक दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारत के फिरकी गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला। इसी कड़ी में भारत के वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। सुंदर ने लंबे समय बाद टीम में वापसी की थी। आईपीएल में एसआरएच के लिए धमाकेदार पारी की शुरुआत करने वाले अभिषेक शर्मा को जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला। बल्लेबाजी में भारत के लिए अपनी पहली पारी में अभिषेक पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए और बिना खाता खोले आउट हो गए और गेंदबाजी में उन्होंने 2 ओवर में 17 रन दिए। इसी के साथ अभिषेक शर्मा ने 0 पर आउट होते ही एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। रिकॉर्ड ऐसा कि सिर्फ भारत के 4 ही खिलाड़ी ऐसा रिकॉर्ड बना सके। वह अपने डेब्यू मैच में 0 के स्कोर पर आउट होने वाले 4th भारतीय खिलाड़ी बन गए। इससे पहले सिर्फ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ अपने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू पे 0 के स्कोर पर आउट हुए थे। चोट के चलते लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ का कमबैक कुछ ज्यादा यादगार नहीं रहा। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मुकाबले में ऋतुराज 9 गेंदों में 7 रन ही बना सके। ऋतुराज का विकेट मुतरबानी को मिला। टी20 वर्ल्ड कप के खिताब को अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, उप कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव सरीके खिलाड़ी अनंत अंबानी की संगीत सेरेमनी में शामिल हुए, जहां मुंबई इंडियंस के मालिक नीता अंबानी ने सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत शाम 4:30 बजे से होगी। इस सीरीज के पहले मैच को जिम्बाब्वे ने 13 रनों से अपने नाम कर लिया है। वहीं इस मैच को जीत के टीम इंडिया की नजरें वापसी करने पर होंगी। जिम्बाब्वे खिलाफ टीम इंडिया उसी डिजाइन की जर्सी पहनेगी जो उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान पहनी थी। युवा खिलाड़ियों की नई जर्सी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया है। इस जर्सी में एक बड़ी गलती नजर आ रही है। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद टीम इंडिया के नाम अब 2 टी20 वर्ल्ड कप हो गए। ऐसे में इस जर्सी में बीसीसीआई का लोगो के ऊपर 2 स्टार होने चाहिए, लेकिन इस जर्सी में सिर्फ 1 ही स्टार है जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2007 के लिए है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 11 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। ये घोषणा यहाँ विधानसभा में की गई है, जहाँ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और सुनील के लिए सम्मानित भी। सीएम एकनाथ शिंदे ने सूर्य के टेस्ट की तारीफ की।